नमस्कार दोस्तों, फूड एंड ट्रैवल बाय रजनी सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, और आपको हम बता दें कि ये पड़ता है त्रिमूर्ति मार्ग पर। तो चलिए चलते हैं अंदर। और इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, ये अभी हुआ है 14 अप्रैल को, जिस दिन भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। अब हम पहुंचे हैं टिकट काउंटर पर, और आप टिकट के रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर आकर भी टिकट को ले सकते हैं। तो चलिए, आप सामने जो देख रहे हैं ये है पुरानी बिल्डिंग, और इसी की बैक साइड पे बनाया है इन्होंने नई बिल्डिंग। और अब हमने कर ली है यहाँ एंट्री, और अब आप सामने जो देख रहे हैं ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का मॉडल। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर बना हुआ है ये। जो इसके टॉप पर है, यहाँ पर ये चक्र बना रखा है इन्होंने। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। और अब हम पहुंच गए हैं कॉरिडोर में, ये है वहां का रिसेप्शन। और आप ये सामने जो देख रहे हैं ये राजकीय चिन्ह है शेर के, और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हवा में है, ना इनके ऊपर कुछ है ना नीचे। यहाँ पर 15 प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, इनके बारे में बताया गया है। जो ये संग्रहालय है वो इसीलिए बनाया गया है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और जो अभी हैं उन्हीं के कार्य के बारे में बताया गया है। और अब हम जा रहे हैं फ्रीडम एंड यूनिटी रूम में। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी हैं ताकि लोगों को आराम से समझ जाए, और बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। स्वतंत्रता के समय, और अब हम पहुंच गए हैं पीएम सेल्फी पॉइंट पर, और अब हम यहाँ पे पीएम के साथ सेल्फी लेंगे। और अब हम दूसरी एक्टिविटी पे पहुंच गए हैं, जो कि है वॉक विद पीएम। और ये वीआर कॉरिडोर है, यहाँ पर अंदर ग्रीन कलर की स्क्रीन लगा रखी है इन्होंने, जिसमें हम अपने फेवरेट पीएम के साथ वॉक करते हैं। और मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वॉक की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी हैं, बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। और अभी हम देख रहे हैं मंगलयान और चंद्रयान के बारे में। इससे बच्चों को काफी नॉलेज भी मिलती है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ये बताते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लाल किले की झांकियां हैं, और ये इन्होंने 3D में नेहरू जी बनाए हुए हैं, जो कि लाल किले से भाषण दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं हेलीकॉप्टर राइड में। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से ये राइड बनाई हुई है, और सामने स्क्रीन लगाई हुई है, और बहुत ही कहते हैं अच्छी राइड है। तो चलिए
हम भी चलते हैं अंदर। सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं, भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचार और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पीठिका से और सवारी का आनंद लें। समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। ये देखिए, आप यहाँ पर अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित पत्र लिखवा सकते हैं और ये मैं अपना लिखवा रही हूँ। ये देखिए, डियर रजनी सैनी, और अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, जो जो डिसीजन लिए हैं अपने कार्यकाल में, वो सब बताया गया है। ऑपरेशन शक्ति, इसके तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और इसको संभव बनाने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षण किया गया था। और ये देखिए, ये है वीडियो बुक, ये देखिए। और आप इसका पेज टर्न करते हैं तो आपको
नई वीडियो दिखाई देगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ये देखिए, कैसे हमारे बाद सशस्त्र बल दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। बारह जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज बातचीत के लिए दिल्ली आए और उनसे कहा गया कि जब तक पाकिस्तानी घुसपैठिए पूर्ण तरह भारतीय क्षेत्र से वापस नहीं जाते तब तक बातचीत का प्रश्न ही नहीं है। युद्ध का निर्णायक क्षण दोनों दिन शिखर पर चल रहा संघर्ष था। 4 जुलाई को भारतीय ध्वज एक बार फिर टाइगर हिल के ऊपर फहरा रहा था। भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और देशभक्ति तथा दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व से पाकिस्तान को एक बार और ये है अटारी गेट और इसके अंदर हमें कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया है कि हमारे जवानों ने किस तरीके से वहां पर युद्ध किया था कारगिल में। ये देखिए, और जो आप ये पत्थर देख रहे हैं और ये मिट्टी देख रहे हैं ये उसी हिल की है जहां पर हमारा तिरंगा लहराया गया था। तो ये पत्थर और मिट्टी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है और ये वो जवान है जो कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये है कैप्टन बत्रा जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी शेरशाह। और ये है दोस्तों एग्जिट कॉरिडोर और यहां से हम बाहर निकल जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ पिक डाली हैं तो आप जरूर देखिए वो और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।